बता ये सब तूने क्यों किया? ये सब मैंने अपने आप को बचाने के लिए। मतलब आपको ये जानकर हैरानी होगी, राहुल मेरा सगा भाई नहीं। जो कुछ बता रहा है साफ साफ बता रहा है। उलझन में है जिंदगी, सुलझाओ कैसे बता। उलझन में है जिंदगी, सुलझाओ कैसे बता। नाकाम आए कुछ बंदगी, मौला कहाँ तू बता। मेरे पापा बहुत अमीर थे, उन्होंने मेरे परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पापा एक नन्हे बच्चे को साथ ले गए और मुझे बताया कि वो तुम्हारा भाई है। मेरे माँ को बहुत गुस्सा आया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने राहुल को कभी अपने सगे बेटे जैसा प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तो उसे बचपन से अपना छोटा भाई मानता था। एक दिन मेरे माँ ने मेरे मुझे पास बुलाया, मुझे बोला उसे कैंसर हुआ है और वो बस कुछ दिनों के मेहमान है। मुझे बोला कि पापा की तरफ ध्यान दो और उस छोटे बच्चे को ध्यान मत दो, कहीं पापा उसके नाम पूरी जायदाद ना कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब बोल के माँ भी चल बसी। जैसे हम बड़े हो रहे थे तो पापा ने हमारे ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस बहुत बढ़ाया, मुझे उसमें काफी दिलचस्पी थी, लेकिन राहुल को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो कंप्यूटर्स में ज्यादा दिलचस्पी, वो आईटी करना चाहता। जैसे वो बड़ा होता गया उसने कंप्यूटर्स कंप्लीट कर दिए और आईटी में जॉब। पापा हमेशा चाहते थे कि वो आगे आके अपना टूर्स का बिजनेस संभाले। उन्होंने उसको बहुत समझाया, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। 1.5 साल पहले पापा का भी देहांत हो गया, हमने उनकी वसीयत खोली तो उसमें लिखा था कि अगर राहुल अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है तो ये बिजनेस हमें 50-50 हो जाएगा, नहीं तो ये पूरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अच्छा। मैं बहुत शॉक हो गया। मैंने राहुल को बहुत समझाने की कोशिश की कि अपना बिजनेस ज्वाइन करें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हमेशा से आईटी में जॉब करना चाहता था। मैंने उसे बिजनेस के फायदे भी समझाए लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मैंने एक दिन साजन को बुलाया। कौन है तू? क्या चाहता क्या मुझसे? वक्त आने पे सब पता चलेगा राहुल। राहुल डरने भी लगा था, मुझे लगा कि वो काम कर देगा, लेकिन अचानक से एक दिन उसने मना कर दिया। मैंने साजन को मिलने के लिए बुलाया। यहाँ पे चलिए
मेरा काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरे भाई को लगता है मैं उसे मार दूंगा। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उस दिन हाथा पाई हुई, ये देखो मारा मुझसे। उसके सर पे खून सवार है। या तो वो मुझे मार देगा या तो जेल भेज देगा। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुमने ही सब गड़बड़ की है। मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने तुम्हें इस काम के लिए 1,00,000 रुपए दिए, उसका क्या? मैंने कुछ पैसे तुम्हें भेज दिए, निकलता हूं। मजाक चल रहा है क्या? ये कम समय में सब कुछ छोटे आने के लिए। मैंने तुम्हें बोला था वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। कहीं साजन ने राहुल को कुछ बता तो नहीं दिया? राहुल, तू शराब पी के आया है? कहाँ क्या हुआ है? सो तो रहा है वो, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ हुआ है उसको? कहाँ लेके जा रहे हो? ये घर है उसका। प्रिया, प्रिया सुनो मेरी बात, क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो? राहुल, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? एक दिन रात को राहुल बहुत दारू पी के घर आया, मुझे बहुत गुस्सा आया, हमारे बीच हाथापाई भी हो गई, लेकिन राहुल नहीं माना। अचानक से जयेश और प्रिया आ गए, उनको भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। जयेश और प्रिया राहुल को लेके चले गए, बाकी आप सब तो जानते ही हो। प्रताप, एक बात तो बताना भूल ही गए। क्या? उस दिन याद है जब भी तुम मेरा फोन पे बात सुन के पीछा करने लगे, वो बात क्यों नहीं बताई?
रिलैक्स जयेश, सारी बात अब मुझे मालूम पड़ी है। शिंदे यूं जाला आत्मा ने चला। बोलो प्रिया, आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे प्लीज माफ कर दो। ठीक है, माफ किया। वैसे अभी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। चलो मरीन ड्राइव जाते। अभी? हाँ अभी। ठीक है चलो। धुआं धुआं जमीन आसमान, धुआं धुआं जमीन आसमान, कोहरा घनेरा छा गया, धुआ धुआ जमीन आसमां, कोहरा घनेरा छा गया, रुआ रुआ कप कपाए डर से, रुआ रुआ कप कपाए डर से, किस अंधेरे बसेराया, उलझन में है जिंदगी, सुलझाऊं कैसे बताऊं।